अच्छा आपकी सैलरी इसमें क्या है? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सब? मेरा नाम मोहम्मद अली मैं और आप देख रहे हो माई लाइफ यात्रा यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम है, हम लोगों की छुट्टी हो गई है और अभी हमारी कंपनी में भी यार ओवर टाइम वगैरह बंद हो गया है, जो रियल है बता रहा हूँ भाई, जिससे कि आप सब जानते हो मैं रियल वीडियो बनाता हूँ। और आज मैं आपको मिलाऊंगा एक मेसन, जो लोग यहाँ दुबई में मेसन के काम करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाली है। उनका काम कैसा होता है, कितनी सैलरी मिलती है, उन लोग को मेसन लोग को दुबई में आना चाहिए, ठीक रहेगा उनके लिए नहीं ठीक रहेगा, और हेल्पर में कंस्ट्रक्शन लाइन में हेल्पर में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और लेट्स बिगिन। मिलाते हैं एक मेसन से जो कि पंजाब से हैं, उनसे पूछते हैं अभी क्या सिचुएशन है काम की, और बहुत सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। और एक भाई ने मेरे को एक भाई क्या कई लोगों ने पूछा था कि वहाँ पे टाइल्स का काम होता है कि नहीं। भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन में टाइल्स का बहुत काम होता है। और एक भाई ने पूछा था कि एसी टेक्नीशियन का काम होता है। भाई यहाँ पे सभी काम होते हैं, एसी टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, किरान, आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मेरी कंपनी का किरान है, और उधर भी एक, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ टेक्नोलॉजी गैस हाउस का। तो उसमें काम मेरा क्या होता है कि एक छत पे टंकी रखी जाती है और जितने भी फ्लोर में किचन होते हैं ना उन तक गैस पाइप का पूरा कनेक्शन देना होता है हमको, और उसमें बहुत सारी सेफ्टी होती है, फायर का पूरा लगता है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कभी। तो ये बेसिकली मेरा ये काम है टेक्नोलॉजी गैस हाउस। और अभी मैं आपको मिलाऊंगा एक मेसन भाई से, कैसा एक्सपीरियंस है आप खुद वीडियो देखिए। और गाइज अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, और बस यार इतना काफ़ी है, ठीक है, आगे और वीडियो देखने के लिए इतना काफ़ी है। बहुत अच्छी लगी जानकारी तो आगे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके, जैसे कि मैं अभी हेल्प ही कर रहा हूँ सभी की, ताकि लोग आने से पहले मतलब ये ना सोचे कि दुबई में कैसा होता है, कैसा माहौल होता है, ये सब आपको पता चल जाए, यहाँ मतलब एक्सप्लेन हो जाएगा सभी सब कुछ। तो अभी फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरा नहीं बैक कैमरा दिखाता हूँ। ओके, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये है हमारे भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? पवन कुमार जी। पवन कुमार, आप कहाँ से हो? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे भाई पंजाब से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, सभी लोग यहाँ पर एक्चुअली फ्रेंडली काम करते हैं। और आपको कितना साल हो गया यहाँ पर? दुबई में हमको 21 साल हो गया। दुबई में 21 साल हो गया? ओ यार 21-22 साल तो मेरा उम्र है यार, बहुत बहुत पुराने हो आप यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो आप शुरू से आप मेसन का काम करते हो? जी, मेसन का काम करना शुरू से। अच्छा, यानी कि कई कंपनियों में काम कर चुके हो गया? चौथी कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं। ये चौथी कंपनी में, कैसा एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? प्रॉब्लम कोई नहीं है अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, जो लोग नए लोग आने वाले हैं मेसन में टाइल्स में, उन लोगों के लिए ठीक रहेगा दुबई की? नहीं, दुबई तो ठीक रहेगा, उन लोगों को इंटरव्यू देके आना चाहिए, अट्रैक्ट आ जाएगा तो उन लोगों के लिए मुसीबत बनेगा। क्यों? अच्छा, वो लोग अपने हिसाब से सैलरी लगा या इंटरव्यू देके आएगा, उधर एग्रीमेंट हो जाता है। हाँ, जैसे कि दिल्ली में ऑफिस कहीं, मतलब ऑफिस भी है, चंडीगढ़ में भी है, मोहाली में भी है। अच्छा, हर जगह ऑफिस है इसका। अच्छा, अगर इंटरव्यू देके आएगा तो डायरेक्ट कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा? मिलेगा। हाँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि विजिट पे आके जॉब सर्च करें तो क्या नहीं सही रहेगा? हो सकता है थोड़ा आदमी को दुख तकलीफ होगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा, कोई आदमी कंपनी के अधिकार से कोई आदमी कमती सैलरी देगा, कोई ज्यादा देगा, फिर इससे ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ ये तो है, अगर आप वहीं पे ऑफिस में इंटरव्यू देंगे तो आपको सैलरी वगैरह सब कुछ मेंशन कर दी जाएगी, इतनी सैलरी मिलेगी, है ना? एग्रीमेंट हो जाता है। हाँ, एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर आप जॉब सर्च करोगे तो आपके थोड़े कम चांसेस हैं, जॉब तो मिल जाएगी लेकिन आपको सैलरी हो सकता है कम मिले, है ना, ऐसा सीन है कुछ। अच्छा आपकी सैलरी इसमें क्या है? इसमें मेरे 12+200 है, ओवर टाइम डाल के 2000 के 2200 के करीब आ जाता है। 2200। अच्छा, ये बहुत लोग पूछते हैं कि 12+200 क्या होता है, ये थोड़ा
12+ 200 जो महीने का बेसिक होता है 200 रुपये खाने का होता है। अच्छा, मतलब 1200 रुपये बेसिक होता है और 200 रुपये खाना मतलब प्लस वो हो जाता है। तो आपको ओवर टाइम लगा के पूरा 2200-2300-2500 तक पहुँचता है? हाँ, ओवर टाइम के हिसाब से। अच्छा, और जैसे बहुत लोग हेल्पर में आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, उनकी क्या सैलरी होती है? उन लोगों को पहले तो बहुत सैलरी कम थी, 650-600 रुपये कंपनी लगाती है। अभी मेरे ख्याल से 800+ 800+ 200 1000 के करीब हो जाएगी। अच्छा, 1000 या 1100 कोई कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी में डिपेंड करता है। अच्छा, आगे वो ओवर टाइम लगाएगा नहीं लगाएगा वो बाद का बात है। हाँ, कंपनी ओवर टाइम देगी नहीं देगी है तो हेल्पर के लिए शायद अच्छा नहीं है, बिकॉज इंडिया में 10-20 हज़ार रुपये आदमी कमा सकता है। तो आई होप गाइज आप लोग काम सीख कर आइए कोई यहाँ पर दुबई में। काम सीख किया उसके लिए आसान होएगा थोड़ा। हाँ, उसके लिए आसान होगा, सही बात। नहीं काम आता है हेल्पर का सैलरी लगाएगा। अच्छा, अभी ये क्या काम कर रहे हो थोड़ा बताओगे? एक काम है एसी का कंटेशन लगना है। हाँ, एसी का इसमें स्विच आएगा है ना, ये जो ताबुक दिख रहे हैं यहाँ पे, ताबुक बोलते हैं इसको, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं मैं। यहाँ पर देखिए एसी का ये ताबुक रखा है, इसके ऊपर प्लस्तर करना है, बिकॉज यहाँ पे जो बल्दिया है वो पासिंग करने के लिए ऐसा नहीं मानेगी, इसलिए इसको फिनिशिंग मांगता है। यहाँ पर एक बोर्ड आएगा, स्विच आएगा एसी का, और ये इसमें वायरिंग हुई है, और ये एसी रखी हुई है गाइस, जो लोग नहीं जानते बता दें ये एसी रखी हुई हैं, और ये पूरी इधर आएंगी। और सप्ताबों का भी काम बहुत है, और बस और कुछ नहीं। चलिए, हैप्पी हो ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, चलिए गाइस, आई होप आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ अल जोहरा में काम हो रहा है, अल जोहरा अजमान UAE, ये दुबई नहीं है, दुबई एक सिटी है गाइस, यू मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, उसका एक हिस्सा है अजमान, अजमान के अंदर ही आता है जोहरा। तो यहाँ पे देखिए पंप लगे हुए हैं, कंक्रीट हो रही है, स्लेप हो रही है, ये पूरा VIP एरिया बनेगा काफ़ी दिन के बाद, अभी तो कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मेसन सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, शटरिंग कारपेंटर और स्टील फिक्सर, ये देखिए सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ड्राइवर लोग, मिक्सचर गाड़ी चल रही है, पंप चल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे काम होता है गाइस कंस्ट्रक्शन लाइन में। और ये बिल्डिंग देखिए ये भी बन चुकी है बस, और मैं आपको कंपनी का किरान दिखाता हूँ, बहुत जल्द इंटरव्यू लूँगा किरान ऑपरेटर का, बिकॉज टाइम नहीं मिलता है गाइस। ये है किरान कंपनी का, सुबह आदमी चढ़ता है तो शाम को उतरता है गाइस। और ये देखिए यहाँ पर भी एसी रखी हुई हैं, और इसके ऊपर पानी की टंकी हैं, छुपा दी गई हैं, बिकॉज यहाँ पर बल्दिया बहुत प्रॉब्लम करता है, इसलिए टंकियों को मतलब छुपा दिया गया है कि दिखे ना कहीं से। और गाइज आपको दिखाते हैं अल जोहरा का गोल्फ क्लब, ये है गोल्फ क्लब, यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज, अरबी, बहुत लोग यहाँ पर खेलने आते हैं। ये देखिए ये पूरा देखिए गाइस अजमान, इसके आगे शारजा है, और इधर पूरा समंदर है। मैं आपको दूसरी वीडियो क्लिप इसमें ऐड करूँगा तो आपको सही दिख जाएगा, बिकॉज यहाँ पे धुंध बहुत उड़ती है तो यहाँ पे क्लीन नहीं आता है, कभी जब बादल होते हैं मौसम साफ होता है तब बहुत क्लीन दिखता है। देखिए पूरा ये गोल्फ क्लब है, और इधर ये पूरा रिजॉर्ट एक बन रहा है, UAE का फर्स्ट अजमान में रिजॉर्ट है, काफ़ी अच्छा है, और ये पूरा गोल्फ क्लब है, देखिए पूरा अजमान का एरिया है गाइस, ये पूरा दिख रहा है ना, ये जो फ्लैग है ना UAE का, ये अजमान में है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें माई लाइफ यात्रा, और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और गाइज जो लोग एडुकेशन वाले हैं, जैसे कि पढ़े लिखे हैं,
इलेक्ट्रिक इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर और बहुत सारी डिग्री होल्डर्स हैं, उन लोग की जब वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल ऐसी जानकारी मैं बताता रहता हूं, अभी मैं दुबई में हूं। बस इतना काफ़ी आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।